खबर है कि शाहरुख खान ने विक्रम वेदा रीमेक लगभग फाइनल कर दी है। उनके पास फिल्म के बस दो छोटी छोटी शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है कि फिल्म में माधवन का किरदार, यानी जो माधवन किरदार निभा रहे थे, वो शाहरुख खान चाहते हैं कि माधवन खुद निभाएं। और वहीं शाहरुख खान की दूसरी शर्त भी दिलचस्प है कि बड़े भाई का किरदार वो खुद निभाएंगे। दरअसल एक और शर्त रखी गई है, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज पांडे होने वाले हैं, वो भी जिन्होंने अक्षय कुमार के काफ़ी सारी फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करी हैं, जो कि अक्षय कुमार के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब शाहरुख खान चाहते हैं कि नीरज मूवी को डायरेक्ट भी करे, यानी अक्षय कुमार से सीधा सीधा शाहरुख खान नीरज पांडे को छीनना चाहते हैं। वैसे नीरज पांडे और अक्षय कुमार के बीच काफ़ी दिनों से तनातनी की भी खबरें आ रही हैं। खबरें थी कि विक्रम वेदा को नीरज पांडे रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट भी नीरज पांडे ही लिखेंगे, लेकिन फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा, इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय था कि इस मूवी के डायरेक्टर पुष्कर और गायत्री होंगे। लेकिन शाहरुख ने भी अपनी एकदम शर्त साफ कर दी है। अब दिक्कत यह है कि अगर नीरज ये फिल्म करते हैं तो तय है कि अक्षय कुमार की अगली मूवी क्रैक फिलहाल के लिए निश्चित रूप से डिब्बा बंद हो जाएगी। वहीं अक्षय कुमार की एक और मूवी मुगल से अक्षय बाहर हो चुके हैं, फिल्म में आमिर खान की एंट्री हो चुकी है। वहीं नीरज पांडे भी अपनी दोस्ती अक्षय की तरफ से हटाकर शाहरुख की तरफ बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सलमान ने वादा करने के बाद भी अक्षय कुमार की मूवी से अपना हाथ खींच लिया। ऐसे में लग रहा है कि तीनों खान मिलकर अक्षय कुमार को साइड करना चाहते हैं। वहीं अक्षय कुमार के खुद के झगड़े खत्म नहीं हो पा रहे, ऐसे में अक्षय को आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में अक्षय कुमार को मिली बॉक्स ऑफिस स्टारडम के बाद कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ उनका पंगा हो चुका है। तो देखना दिलचस्प रहने वाला है कि अक्षय कुमार बॉलीवुड में अपनी जगह कैसे बनाते हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।